हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज जो कुर्बानी करने जा रहे हैं अल्लाह के नाम पर अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी देंगे, ये कुर्बानी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मार्ग का है। लेकिन हम इस बात से कई लोग बाखबर नहीं है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम की वो शख्सियत तरह तरह जिनके ताल्लुक से कुरान ने कहा कि इन्नी जाइलुन लिन्नासि इमामा, इब्राहिम आप पूरी इंसानियत के इमाम। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा वत्तकल्लाहु इब्राहिम खलीला, ये इब्राहिम जो है ये अल्लाह के निजी दोस्त पर खलील है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तनहा मिल्लत वालिदा की हैसियत रखते थे। हम लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि जिस तरीके से कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के लिए एक आइडियल उस्वा करार दिया कि जो मुसलमान अल्लाह रसूल का मानने वाला है उसको पूरी जिंदगी अपने आप के पैरों पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है। जिस तरीके से अल्लाह ने आप के पैरों पर की जिंदगी के ताल्लुक से मुसलमानों को हुक्म दिया उसी तरीके सूरह तिन्हा के अंदर अल्लाह ताला ने दो मकामात पे फरमाया कि लोगों आखिरी पैगंबर की जिंदगी जिस तरीके से तुम्हारे लिए आइडल और उस्वा है, जिस तरीके से तुम लोग उठते बैठते चलते फिरते अपनी जिंदगी में इस बात की फिक्र करते हो कि हमारा हर अमल हर हर अदा आखिरी पैगंबर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो। ऐ लोगों उसी तरीके से तुम इस बात का ख्याल रखना कि इनके अब्बा और इमाम अंबिया के खुद के सरदार जिनको अबुल अंबिया का अल्लाह ताला ने लकब दिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी उसी तरीके से तुम्हारे लिए आइडियल है, उसी तरीके से तुम्हारे लिए उस्वा है और एक नमूना है जिस तरह रसूलुल्लाह की जिंदगी है। तो तुम्हारी फिक्र जिस तरीके से आम पैगंबर की सुन्नतों पर चलने की है उसी तरीके से तुम्हारी फिक्र यह होनी चाहिए कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मनहज क्या था, उनका अकीदा क्या था, उनका तरीका क्या था, उनकी कुर्बानी क्या थी, उनका इज़हार क्या था, अल्लाह से उनकी मोहब्बत कैसी थी। और फिर ये देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी भी उसी तरीके से अबुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हम में से कई लोग जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से दूर है आपकी जिंदगी से वाकिफ नहीं, उसी तरीके से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम बाकी रह चुका, किसी ने कहा था रह गई है उसमें कुर्बानी बाकी, सुख गया है इसके खलील, इसके खलील दिलों के अंदर नहीं है क्योंकि उनकी जिंदगी हमने आज तक पढ़ी नहीं, हमने सुनी नहीं, उस पर गौर नहीं किया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िए, ये अय्याम, ये कुर्बानी, ये हज और उसके रुकन और उसके अरकान जितने हैं ये सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान की अदा की नकल है। जिस जिस तरीके से इब्राहिम ने और उनके खानदान ने हत्ता कि उनके बच्चों ने जिस तरीके से दुनिया के जनसर की इंसानियत तक मुसलमानों के लिए फरी जाए हज के अंदर उनकी अदाओं को कॉपी करना मुसलमानों के अंदर फर्ज कर दी। लेकिन हमें पता नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कई पहलू है, सिर्फ मैं इशारे करता चलूंगा और आप हम निकालिए किताबें खंगालिए ऐसे बयाना सुनिए जिसमें से जितना इब्राहिम का फिक्र हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का उस्वा और आइडिया सबसे पहला तौहीद है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में इतना रच फंस गए थे कि खुद कहते हैं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाती वल अर्ध, ए लोगों मैंने दुनिया की तमाम इब्राहिम की तौहीद के दो पहलू, एक उस
इनकार का तमाम मामला ने पाखला का इनकार किया और तौहीद के तकाजे को पूरा किया और कहा मैं इतना हूं मालूम है मेरी दारू पर आ गई, तुम सारे के सारे मेरे दुश्मन हो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है और उसके मानने वाले मेरे दोस्त है। तौहीद का तकाजा यही था। अल वला व बरा का अकीदा इब्राहिम अलैहि सलाम की जिंदगी में फेमस था और उसी की इत्तबा का और अल्लाह ताला ने दिया। तौहीद के बाद इब्राहिम अलैहि सलाम की जिंदगी में जो दूसरा नमूना मिलता है वो अल्लाह के हुक्म हर हुक्म पर अमल करने का मिलता है। अल्लाह ने जैसे जैसे इम्तिहान दिया वैसा वैसा इम्तिहान के अंदर इब्राहिम माफ होते चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तीसरा फल जो मिलता है वही मिलता है सब्र और सच्चाई का फल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे रखा वैसे खुश रहे, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके खानदान के अंदर चौथा फल उनकी जिंदगी में इत्तबा का यह मिलता है कि एक बेटा किस तरीके से अल्लाह और अपने बाप का फरमान बता देता है, बाप जो जो कहता है बेटा फरमानबरदारी करता है, जूझा नहीं करता आपके सामने। अल्लाह का हुक्म हुआ इस्लाम में जिंदा रख, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा।
जब